सब्जेक्ट के बाद विल या सेल के साथ नोट बी का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद विल सेल के साथ नोट बी, मतलब यहाँ तो हमने ओनली मात्र बी लगाया था और नेगेटिव में हम नोट बी लगा देंगे। नोट बी का प्रयोग किया था और बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मेरी माताजी खाना नहीं बना रही होगी। मेरी माताजी खाना नहीं बना रही होगी। माई मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। माई मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ हमने नॉट बी का, ये विल और ये सब्जेक्ट। वे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। दे विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स। वह कमरे को नहीं सजा रही होगी। सी विल नॉट बी डेकोरेटिंग द रूम। डेकोरेटिंग, ये डेकोरेट होता है सजाना, तो इसके साथ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, डेकोरेटिंग द रूम। विद्यार्थी फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह से हमने दो सेंटेंस, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इनको ध्यान से समझना है और इनके फॉर्मूले ध्यान से पढ़ने हैं और